कन्नौज के ग्राम बहिराबद में इन दिनों भारी जल संकट छाया हुआ है। मजदूरों को मजदूरी का काम छोड़कर पहले पीने के पानी की समस्या का हल करना पड़ रही है। पिछले करीब 20 दिनों से गांव में जल संकट गहरा गया है। पीने के पानी के लिए मजदूर तथा ग्रामवासी सुबह से ही करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों और अन्य स्थानों से पीने का पानी ला रहे हैं। ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस गांव की करीब 2000 से ज्यादा की जनसंख्या है, सभी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि रफीक खान से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल में बारिश कम होने से पानी की समस्या आ रही है। एक मोटर भी जल गई थी, जिसे दुरुस्त करा लिया गया है। 1-2 दिन में मोटर डालकर पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह वर्मा। कहाँ रहते हो? बेहावर। अच्छा, आपके यहाँ पानी की क्या समस्या है? पानी की बहुत ज्यादा समस्या, ज्यादा बरसात में भयंकर तरीके से है, तो फिर गर्मी में तो इससे ज्यादा थी। वो इसके बाद में भी खेत खड़े में से भी पानी लेके आना पड़ता है हमको, और गांव की जो उसमें वो है पाइपलाइन, उसमें भी 15 से 20 दिन के समथिंग में नल नहीं आ रहा, मोटर चल चुकी है। और सरपंच मंत्री से इनसे बोलते हैं तो वो है कि अभी मोटर जल गए और पानी की समस्या भी है। अभी तो इस संबंध में कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है ग्रामीणों को? ग्रामीण में से कई का खेत खराब से भी देखे आता है, कई कहीं पास में भी, कई का आधा किलोमीटर के समथिंग भी है, कई कहीं काफी समय से आ रही मतलब पानी की। तो अच्छा, मजदूरों को मजदूरी का काम रोक के और पहले पानी भरना पड़ता है? हाँ, मैं खुद भी यानी सुबह दुकान पे आता हूँ, पर मैं खुद के यानी 2 घंटे का समय पानी देना पड़ता है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।